आज के इस एपिसोड में हम लोग रेसबरी पाई नोड रेड की सहायता से एक एलईडी ग्लोइंग हार्डवेयर प्रोजेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली इसके लिए हमें नोड रेड चाहिए। इनपुट है वो हम GPIO पिंस से देंगे और वो आउटपुट जम्पर वायर के थ्रू हमको ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शन करना है। तो हार्डवेयर जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि दो फीमेल टू मेल कनेक्टर्स, ये पार्ट हमारे GPIO पिंस में जाएंगे और ये वाले पार्ट्स जो हैं ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट होंगे। इसके अलावा हमको एक रेड LED चाहिए। हम कोई दूसरा भी कलर ले सकते हैं लेकिन मैंने रेड LED लिया है। ये LED के बारे में आपको बता दूं कि LED एक पोलैरिटी वाला एक वो है, तो इसमें जो बड़ी पिन दिख रही है पॉजिटिव है और जो छोटी पिन है वो नेगेटिव है। इसके अलावा करंट लिमिट करने के लिए हमको एक रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो इसमें कोई पोलैरिटी वाली बात नहीं है। इसके अलावा टेम्पररी कनेक्शन करने के लिए हमको, अगर हमको सोल्डर कनेक्शन नहीं करना है तो हमको एक ब्रेडबोर्ड चाहिए। ब्रेडबोर्ड में ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये अलग अलग ये लंबे सर्किट होते हैं जिसमें हम कनेक्शंस कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम कोई एक अगले एपिसोड में, ब्रेडबोर्ड क्या होता है उसका डिटेल एपिसोड हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो GPIO में कनेक्शंस करेंगे वो हम यहाँ पर जो लास्ट दो पिन हैं 37 और 38 इसमें कनेक्शन करेंगे। 37 से हमको डिजिटल आउटपुट मिलेगा और जो 38 है वो ग्राउंड है। तो सबसे पहले हम इसका ही कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो लास्ट है ग्राउंड पिन, इस पे हमने फीमेल जंपर का एक एंड लगा दिया जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जस्ट उसके साइड में जो है 37 नंबर पिन है उसमें हमने रेड जंपर वायर लगा दिया। इसमें हमने कलर्स इसलिए अलग लिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा वायर है। ठीक है, अब हम ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम LED को इसमें प्रॉपरली फास्टन करेंगे। तो इसमें कोई भी एक इसका मिडिल ले लेते ताकि दूसरी तरफ कनेक्शंस दूसरे कर पाएंगे। तो ये मैंने पॉजिटिव साइड इसका यहाँ पे कनेक्ट किया और नेगेटिव साइड आगे कहीं कनेक्ट किया और इसको थोड़ा सा अंदर फास्टन कर दिया ताकि इसका कनेक्शन प्रॉपर बन जाए। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कनेक्शन बन गया। अब जहाँ पर ये पॉजिटिव साइड है इसमें ये जो आपकी लाइन है इस लाइन पे मैं कहीं भी, क्योंकि ये पूरी एक ही सर्किट एक ही बस पर है मैं कह सकता हूँ, तो इस पर मैं इसको पहले मोड़ लेता हूँ। तो इस पर जो है मैं रेजिस्टर का एक एंड लगा देता हूँ इस लाइन पे, जैसा आप देख पा रहे हैं ये मैंने इसको लगा दिया, और इस रजिस्टर का दूसरा एंड मैं आगे कहीं पर यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये मेरा रजिस्टर कनेक्ट हो गया। चूँकि ये पॉजिटिव एंड LED का और रजिस्टर का एक एंड एक ही लाइन पर है यानी कि वो कनेक्टेड है। अब नेचुरली जो इसका पॉजिटिव एंड है वो रजिस्टर की इस लाइन पे कहीं पे भी होना चाहिए, तो उसी लाइन पर मैं ये यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया। और जो नेगेटिव ये ग्राउंड है वो LED की जो पोलैरिटी है नेगेटिव पोलैरिटी साइड है उसमें मैं आगे लगा देता हूँ।
तो इसको अगर आप पास से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, एक ही लाइन में है। तो फ्रेंड्स, हमारा हार्डवेयर कनेक्शन कंप्लीट है। ये पिंस कौन सी हैं, क्या हैं, ये जैसे हम NodeRed के इंटरफेस पर जाएंगे तो और आगे क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारा हार्डवेयर साइड का क्लियर हो गया, GPIO आउट से हमको यहाँ पर कनेक्शन मिलेगा। अब हम GPIO आउट नोड एक्सप्लॉइट करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए तो यहाँ पर हम, चूंकि हमको डैशबोर्ड पर ये चाहिए है ताकि हम बाहर से कंट्रोल कर सकें, तो डैशबोर्ड पर जाकर हम एक स्विच वाला ऑप्शन लेंगे, यूजर इंटरफेस स्विच, तो ये हमने ले लिया, ठीक है। और रेसबरी पाई नोड्स में से हम GPIO आउट लेंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट GPIO से मिल रहा है, तो ये हमने ले लिया। इसके बाद इनको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद हम इन दोनों को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, ये जो GPIO आउट नोड है, इसमें आपको ये पूरा GPIO की पिंस दिख रही है। इसमें मैंने पिन नंबर 37, जिसमें हमने रेड वायर लगाया, रेड जंपर लगाया है, उसको GPIO 26 भी कहते हैं, उसको मैंने रेडियो बटन क्लिक किया हुआ है। और टाइप में मैंने यहाँ डिजिटल आउटपुट लिया हुआ है, और इनिशियलाइज पिन स्टेट को हमने ज़ीरो लिया, यानी कि जैसे हम इसको डिप्लॉय करेंगे उस समय LED बंद रहना चाहिए। अगर इसमें इनिशियलाइज पिन लेवल 1 लेंगे तो डिप्लॉय करते ही साथ LED जलता रहेगा। इसका नेम LED ग्लो लिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है। इसी तरह LED ऑन ऑफ स्विच में हमने क्या किया हुआ है, ग्रुप डिफॉल्ट होम लिया हुआ है, इसका लेबल हमने टाइप किया ऑन ऑफ स्विच, और इसमें जो वैल्यूज़ हैं, इंडिकेटर हमने लिया स्विच आइकन शोज स्टेट ऑफ द आउटपुट, और इसका टाइप हमने नंबर लिया है, और ऑन में उसको हम 1 दे रहे हैं, ऑफ में इसको 0 दे रहे हैं, तो ये भी है। तो हमारा ये चालू है, और अब हम इसका डैशबोर्ड देखते हैं। इसका हम डैशबोर्ड देखते हैं, तो डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो देखेंगे ये ऑन ऑफ स्विच दिखा रहा है, डिफॉल्ट होम वाला, अभी ये ऑफ स्टेज में है। तो ऑफ स्टेज में अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं LED जल रहा है, ऑफ करेंगे तो LED बुझ रहा है। हमने किया क्या, केवल एक डेस्कटॉप स्विच लिया और एक GPIO आउट दो नोड लिया, आपस में कनेक्ट किया और थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन किया, कहीं कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, और ये ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एड्रेस को अगर हम फोकस करेंगे तो ये लोकल होस्ट UI है, क्योंकि ये डिस्प्ले लोकली रेसबरी पाई पे है। अब मुझे अगर स्मार्टफोन पे चाहिए तो स्मार्टफोन पे आप देख पा रहे हैं 192.168.1.2, ये रेसबरी पाई का IP एड्रेस है। 1818 UI पे हमको ऑन ऑफ स्विच मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो मोबाइल है और रेसबरी पाई है, दोनों एक ही ब्रॉडबैंड से IP ले रहे हैं, तो दोनों एक ही नेटवर्क में हैं। और अगर
आप इससे ऑन ऑफ करेंगे तो यू कैन सी कि इट इज़ वर्किंग। अब ये घर के अंदर तो आप इसको कर सकते हैं क्योंकि आप उसी नेटवर्क पर हैं। इसी चीज़ को आप रिमोटली वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हैं तो कैसे कर सकते हैं, आप अपने रेसबरी पाई को इसका जो नेटवर्क है या तो वायर्ड नेटवर्क है या वायरलेस नेटवर्क है उसको इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करें, उसको राउट करें और वो जो आउटर आईपी है उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको इसका एक्सेस दुनिया में कहीं से भी मिल जाएगा। तो अभी तो हम लोग ने हार्डवेयर में केवल एक एलईडी लिया है जिसको GPIO आउट दिया हुआ है। GPIO आउट से हम टेम्परेचर सेंसर, मॉइस्चर सेंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक ही GPIO आउटपुट की एक्सटेंडेड GPIO आउटपुट है तो अलग अलग पिंस पर हम अलग अलग डिवाइस लगाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड बनाकर उसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट की जगह हमने यहाँ लिख लिया LED, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद मान लीजिए ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यू कैन कंट्रोल मैनी थिंग्स ऑन द सिंगल रेसबरी पाई फ्रॉम एनी रिमोट पोजिशन। तो इसको अगर समअप करें तो आज हमने GPIO आउट पे जंपर पिंस के साथ ब्रेडबोर्ड पर एक रजिस्टर के थ्रू LED को ग्लो किया है और इसको ग्राउंड से कनेक्शन पूरा किया है और इसमें हमने एक डैशबोर्ड स्विच लिया है, इसलिए हमको डैशबोर्ड में ये स्विच दिखाई दे रहा है और डैशबोर्ड स्विच को हमने कनेक्ट किया है GPIO आउट पर। GPIO आउट के अंदर हमने पिन नंबर GPIO 26 जो पिन नंबर 37 है जो रेड जंपर से कनेक्टेड है उसको लेकर कॉन्फ़िगर किया है। इतना ड्रैग एंड ड्रॉप स्मॉल समझाने में टाइम लगा लेकिन अगर इसको करेंगे तो ये हार्डली 2-3 मिनट्स में ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये आप जानेंगे तो इसको हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले टाइम में हम कुछ और इससे एडवांस हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो कि NodeRed से चलेंगे और उसके आगे आने के समय हम कुछ रेसबरी पाई पर मैसेज क्यूइंग सर्विस इंस्टॉल करना सीखेंगे, मैसेज क्यूइंग क्लाइंट वगैरह, मैसेज क्यूइंग डेस्कटॉप ऑन मोबाइल, उसके थ्रू हम और प्रोजेक्ट्स करेंगे। आई होप ये प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे लगेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। बाय बाय फ्रॉम हियर।